ओलंपिक खेलों में मशाल जलाने की शुरुआत कब की गई थी तथा इसके पीछे क्या कारण था, आज इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम कपिल जाखड़ है और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर सोशल। ओलंपिक खेलों का अपना विशेष महत्व है। यह खेलों का सबसे बड़ा महाकुंभ माना जाता है। ये खेल प्रत्येक 4 वर्ष बाद कराए जाते हैं, जिसमें कई देशों के खिलाड़ी भाग लेते हैं। कोरोना वायरस के कारण 2020 के ओलंपिक खेलों को कुछ समय के लिए टाल दिया गया था, जो अब इस साल जापान के टोक्यो में होंगे। 2020 की बजाय 2021 में होने वाले ओलंपिक खेलों की शुरुआत 23 जुलाई से होगी। अगर इन खेलों के समापन की बात करें तो इनका समापन 8 अगस्त को होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खेलों के महाकुंभ से संबंधित कई रोचक तथ्य भी हैं? ऐसे ही एक तथ्य की बात करें तो ओलंपिक खेलों में मशाल जलाने की परंपरा है। इसकी शुरुआत कब हुई तथा इसके पीछे क्या कारण था, इसे जानते हैं। ओलंपिक खेलों में मशाल जलाने की परंपरा बहुत पुरानी है। यह मशाल सूर्य की किरणों से जलाई जाती है। अगर इसके पीछे के कारण की बात करें तो इसके पीछे का कारण यह है कि ऐसा माना जाता है कि सूर्य की किरणें बहुत पवित्र होती हैं। इसी कारण सूर्य की किरणों से मशाल जलाकर इन खेलों की शुरुआत की जाती है। ओलंपिक खेलों में मशाल जलाने के इतिहास पर नज़र डालते हैं। ओलंपिक खेलों में मशाल जलाने के इतिहास की बात करें तो आधुनिक ओलंपिक में पहली बार 1936 के बर्लिन के ओलंपिक खेलों में मशाल यात्रा की शुरुआत की थी। 1952 के ओस्लो ओलंपिक में मशाल ने पहली बार हवाई मार्ग से यात्रा की। 1956 के स्कॉटहोम ओलंपिक में घोड़े की पीठ पर मशाल यात्रा संपन्न की गई। सन 2000 के सिडनी ओलंपिक में रेगिस्तान पार करते समय घोड़ों का स्थान ऊँटों ने ले लिया। 1936 में यह मशाल ओलंपिया शहर से जलाई गई तथा इसको ओलंपिक की मेजबानी करने वाले देश तक पहुंचाने की शुरुआत की गई। अगर ओलंपिक खेलों की शुरुआत की बात करें तो इन खेलों की शुरुआत 1896 में यूनान की राजधानी एथेंस से हुई थी। लेकिन उस समय से ओलंपिक खेलों में मशाल जलाने की प्रथा नहीं थी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार।